हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं हूँ अयाज, आप देख रहे हैं हूरी अयाज व्लॉग्स। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है हूरी अयाज आ चुके हैं हमारे घर में, तो हूरी अयाज को झूले में डालने वाले हैं हम लोग, तो कल झूले में डालेंगे। तो इसलिए हमारे मम्मी जो है ना, हूरी अयाज को मेहंदी लगाने के लिए होममेड मेहंदी का तेल बनाने वाले हैं, उसकी तैयारी हमारे मम्मी कर रहे हैं। हूरी अयाज को मेहंदी लगाने के बाद कैसे लगाती है और मेहंदी लगाने के बाद कैसा आउटफिट आता है लास्ट में देखेंगे। हूरिया के लिए मेहंदी का तेल निकाल रही हूँ मैं। एक चम्मच आटा, शक्कर दो मिक्स करना, ऐसा मिक्स करके ऐसा डाल देना इसमें, डाल के डाल देना। डालने के बाद एक ऊंचा वाला कुछ भी, अपने वहाँ मट्टी की कटोरी शिकोरी रहती ना, वो भी होंगा डाल सकते। मेरे वहाँ तो नहीं थी, तो मैं ये लोहे का टुकड़ा था एक मोटर का, वो रखी हूँ। उसके बाद कटोरी रखना, रख के भगोना हो, कटोरा हो, एक देगची हो, कोई सी भी चीज़ ऐसा उसको बराबर है जैसी रखना, उसके ऊपर रख के पानी डालना, एक प्याली भर कप भर पानी डालना। डाल के उसके बाद ये धुआं आते रहता, वो भाप नहीं गया ना, मैदे गेहूँ का आटा ऐसा लगा लेना गोल, धीमी सी आंच पे रख लेना। वो दुकान की मेहंदी लगाए तो केमिकल की रहती है, किन खराब हो जाता, छोटी बच्ची मुंह में हाथ आ रख लेती ना, इसलिए मैं घर का तेल बना रही आटे से। पानी में ऐसा भाप मार के बाजना से फुल धुआं आना आए तो तेल बन गए ना। निकाल रही, देखो इसमें से निकाल रही मैं, आप ऐसे निकाल लेना, वो टाइट रहता ऐसा निकाल लेना, गर्म रहता ये, गर्म रहता निकाल के ऐसे बाजू में रख देना। उसको रख के इसमें चिमटे से हो या कपड़ा से, बोलते कपड़े से हाथ जल जाता, भाप लगती, चिमटे से लेको ऐसा कटोरी में, कांच की हो स्टील की हो, उसमें ऐसा डाल लेना। ये मेहंदी का तेल है छोटे बच्चों को लगाने, अपन मेहंदी बोल तो केमिकल वाली रहती, सर्दी हो जाती बोल के नहीं लगाते। ये मेहंदी का तेल है, नाखूनों को भी लगा ले सकते, बहुत घर का नेचुरल रहती, समझो केमिकल वाली नहीं रहती, घर का बनाए सो जबरदस्त चढ़ती है। ये गर्म है, ज़रा ठंडा होने के बाद हूरिया बिल्कुल, हूरिया को लगाने के वास्ते ऐसा पतला है, पतला है तो बच्ची को लगाने नहीं आता, डिज़ाइन हो ऐसा हाथों में से फिसल जाता पतला रहने से, इसलिए मैं थोड़ा गेहूँ काटा हो, मैदे काटा हो, मैं तो गेहूँ काटा ही यूज़ कर रही हूँ, धब्बे नहीं रहना तो अच्छा लगे, तो लाल होती मेहंदी। दूसरे लगाया थी ना वो कोना हुए लेखा को लगाए तो चमड़ा निकल जाता, छोटी बच्ची मुँह में रख लेती हाथ, इसलिए घर का तेल बना को लगा लेना। अल्लाह 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 अल्लाह। ऐसा हाथों को कपड़ा बनना मेहंदी लगा देखे, नहीं तो मुँह में हाथा रख लेते हैं, मुँह को ये लगा लेते रहते हैं, इसलिए ऐसा कपड़ा बन देना। देखो मैं भी बन दी हमारी हूरिया को लाल कपड़ा, पैरों को भी लगा के पैरों को भी बनना, ऐसा पैरों को भी लगा के कपड़ा बन देना, अच्छा रहता है। जब मेहंदी का तेल निकाले थे ना, वो हाथों को हूरिया के हाथों को लगाए, सूखने के बाद मैं निकाल दिए तो ये कलर आया। देखो हमारी हूरिया की मेहंदी का ये है, तो डिज़ाइन भी डाले, काड़ी की माचिस की काड़ी से डिज़ाइन डाले, हाथों को पैरों को का कलर, ऐसा कलर आया देखो धो दिए तो। ये मेहंदी के तेल का कलर कैसा लगा आपको कमेंट करो। वीडियो अच्छी लगी, मेहंदी का कलर अच्छा लगा तो लाइक करो।
चैनल को फॉलो करो, हमारी नूरिया आयास के चैनल को फॉलो करो। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, हमारी मम्मी की कमेंट्री कैसी लगी इसमें, हमारी मम्मी जो बातें बता रहे थे आपको कैसे लगे वो भी बताइए आप लोग कमेंट में। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और आने वाले वीडियोस भी आप तक के पहुँच सके, और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लो, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाए।